गोक्षी थाना अंतर्गत निरसरपुर चौकी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। निरसरपुर चौकी अंतर्गत ग्राम कोलगांव खाटू श्याम मंदिर के पास आरोपी राकेश कुमावत को 12 बोरे देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया और आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया। वहीं कुछ दिनों से पूर्व निर्माणधीन शासकीय विद्यालय खिचलादा से निर्माण सामग्री सरिया चोरी के मामले में ठेकेदार सागर शर्मा ने निरसरपुर चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि निर्माणधीन स्कूल से अज्ञात चोरों के द्वारा लगभग 4 क्विंटल सरिया चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी किशोर को चोरी किए गए माल के सहित गिरफ्तार किया है और धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के द्वारा लगातार अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी पर कुक्षी पुलिस के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। आशुतोष सेन की रिपोर्ट। सर, पुलिस ने तो आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसमें एक चोरी वाला पकड़ा गया और एक अवैध कट्टे वाला, क्या है मामला? देखिए, ये सागर शर्मा निवासी मुरैना है। इनके द्वारा चिखलदा में जो स्कूल है उसकी बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा था और जो उनका सरिया था, करीब 4 क्विंटल सरिया स्कूल के अंदर रखा था, कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया था, जिस पर से एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद में SP श्री मनोज कुमार सिंह साहब ने इसको तत्काल टेस करने के लिए निर्देशित किया था, जो मुखबिर सूचना के आधार पर एक किशोर फुलमाली निवासी चिखलदा, इसको पुलिस ने पकड़ कर जब पूछताछ की तो इसके पास से करीब 4 क्विंटल सरिया जब्त हुआ है और इस प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है, इसमें अनुसंधान जारी है। एक दूसरे प्रकरण में जरिया मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कोलगांव में जो खाटू श्याम मंदिर, उसके पास में एक व्यक्ति जो है कट्टा लेके घूम रहा है, उस सूचना पर तत्काल जो है निसरपुर पुलिस के कटारा NS कटारा जी और उनकी टीम पहुंची थी, जो उन्होंने संदिग्ध को मुखबिर सूचना के आधार पर पकड़ कर जब उसकी पूछताछ की और जब उसकी शरीर की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक 12 बोर का कट्टा मिला। इसमें राकेश कुमावत निवासी ठिकरी यह गिरफ्तार हुआ है। इसमें 25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध है और प्रकरण अनुसंधान में।